हावी मामू पता नहीं बैग कढ़न लगे सर शुरू नाड़ बच गई नाड़ दे कोले ये चेक करो प्रोडक्ट्स चेक करो कितने हैं भाई। तो गाइस जब दिन लेकर आए थे ये वाला पार्सल और मेरे बुआ के सबसे बड़े बेटे की शादी है, शादी में जा रहे हैं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, ठक ठक की अभी बंद हो गया, साथ वाले घर में काम चल रहा है तो उस वजह से। बाकी अभी जो कल हम लोग राशन लेके आए थे ना शाम को, इधर मम्मी सारा काम कर रहे हैं, अभी ये समेट रहे हैं राशन। हाँ निधि ने केसर मंगवाया था गाइस। वादी चल जाना, दो तीन पंखुड़ियां पानी होंगे बस। सही आ रही कुछ मेनु लगता नहीं पर यार ये बर्तले बर्तले ये सही है। बर्तने के बाद के नहीं यही मंगाएंगे हम। ऐसे बोलते ना उसको 1 ग्राम पैसे दे देना, चेक कर लेंगे जरा पैसा। ओ भाई साहब 1 ग्राम चेक करने ले कोई नहीं दूंगा। इमली भी ले, वो वाली इमली नहीं मिलती ना, कहते 1 रुपए वाली। अरे वो गंदी जरूर खानी है। अच्छी होती है वो, खाने के मैं अपना मुंह को दे आओ करे बना वाले मम्मी रोज ताजी ये का ध्यान रख सारा। ये मैं खाना वा पेठा मैं, ये मेरा सामान आ गई है। आ टोफियां गोलियां जी ना खा कर, ये तो ये मुंह मम्मी ने 1 पैकेट चके, मैं क्या मेरी धर्म पत्नी ज्यादा पसंद है, तुम 2 पैकेट चको। गाइस आज का प्लान कुछ इस तरह है, मनीषा आ रही है, एक्चुअली मम्मी की बात हुई होगी मम्मी और निधि की, तो काम वगैरह बहुत ज्यादा है और मैं जा रहा हूँ आज दिल्ली किसी काम से, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली भी मैं 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूँ। तो मनीषा का फ़ोन आया कि आप अकेले काम वगैरह कैसे करोगे, तो थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए मनीषा आ रही है, मिल के काम कर लेंगे क्योंकि मेरा जाना जरूरी था, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा था काम वगैरह। मेरी आज रात की बस है 12 बजे की, और गाइस मैं बस में जा रहा हूँ, गाड़ी में नहीं जा रहा क्योंकि अकेले नहीं जाना है मैंने, तो मैंने कहा यार गाड़ी क्या लेके जानी, बस में चला जाता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी बस की। यार मैं जाऊँगा कि मैं धरती क्या करके जाऊँ, जाना पड़ेगा, मैं तो छोड़ के आ नहीं सकती। नहीं तो मेरे को गाड़ी सिखा देते तो आज काम, मैं लग यहाँ सिखा दूंगा या खुली सड़कें, क्योंकि कई बार मैं ही आपको लेने आ जाऊँ जैसे भी जाना था रात को। ओ भाई साहब छोड़ देती फिर अपने आप चल जाती, मैंने भी जाना था आपके साथ, आपके भरोसे रहना पड़ेगा। तो गाइस अभी ना मनीषा चल पड़ी है, बस पहुंचती होगी, तो उससे पहले मैं जाऊंगा दाढ़ी वगैरह कराता हूं, और मनीषा आएगी नहर के पास तो वहां से पिक कर लूंगा उसको वापसी में। चलो ठीक है मैं चल रहा हूं। हाँ भी मामू, ओए होए टिंडी मारती मेरी मामू जी। किसी ने कहा मैं मुंडन मां के बिरे रोड क्रॉस करा लो, किन्ने ते गड्डी रुक दी। मैं इधर देख दे आया तैनू, तू मेनू दिखी नहीं। चलो घरे चलिए, नवे नवे घरे चलिए। पता नहीं बैग कढ़न लगे सर शुरू नाड़ बच गई नाड़ दे कोले हो गया, चलिए चलाओ चलो दिशानी अंदर चलो। हैरान हो रहा
मामी क्या कौन है मामी खानी भी तेरे नहीं खाऊगा आंदे सर तो पहला मामी नहीं लभ्या इन्हें कितने दही नहीं खाऊगा दही ना लाई आलू हाँ कहते आलू अभी मैं आया था अपने पुराने घर पे स्कूटी मेरी यहीं खड़ी है ना तो गाड़ी में आना पड़ रहा है तो गाड़ी मैंने घर के सामने लगा दी इधर ही ठीक है और मैंने दाढ़ी करवानी है बिकॉज मैंने दिल्ली जाना है रात को आज कपड़े प्रेस कराने हैं एक दो गिफ्ट पैक करवाने हैं और दाढ़ी करवानी है ये तीन काम है हम लोगों को तो यहाँ से मैं स्कूटी उठाता हूँ और चलते हैं यहाँ से तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमारे रूम में इतना ज़्यादा खलारा है और कपड़े अभी मैं कर रही हूँ सेट अभी नीचे वाले दो खाने हो गए और एक ये वाला है यहाँ पे नाइट सूट वगैरह सेट कर दिया अभी मैं जीन्स वगैरह सेट करूँगी तो मेरे साथ आदू हेल्प करा रहा है और एकदम से भूख सी लग रही थी तो मैंने इसको बोला कि कीवी काट ले यार कीवी खा लेते हैं और मम्मा और मनीषा जो है वो दूसरे रूम का सेटिंग कर रहे हैं हमारे ना गाइज वहाँ पे गांव में ना एक चीज़ होती है अब आपके पता नहीं क्या कहते उसको हमारे कहते हैं स्ट्रॉबेरी तो जैसी वो खाने में होती है ना स्ट्रॉबेरी वैसी मेरे को सेम कीवी लगती है और कीवी मेरे को इतनी पसंद है मेरी कीवी स्ट्रॉबेरी ये सब मेरी फेवरेट ही फ्रूट है सारे काम करके गाइज अभी घर आ गया हूँ शाम हो गई है 4:15 हो गए हैं मैं करवाने गया था यार एक तो यार निधि के ना पार्सल आए हुए थे पुराने एड्रेस पे तो ये पार्सल लेके आया हूँ सारे और ये एक ना गिफ्ट पैक करवाना था ये पैक करवा के आया हूँ जहाँ पे जाना है उनको देना है ये और मेरे कपड़े थे जो वो प्रेस करवा के आया हूँ मैं ये काम कंप्लीट करे हैं मेरे आते ही निधि जी उन्होंने अलमीरा सेट करनी शुरू कर दी है नीचे वाला पार्ट कर दिया है बाथरूम तो चमका दिया है निधि जी ने और जो इन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं उसको नीचे वाला जो भी है वार्डरोब टाइप वो कैसे सजाई है मैं दिखाता हूँ गाइस प्रोडक्ट्स चेक करना ठीक है ये चेक करो प्रोडक्ट्स चेक करो कितने हैं भाई यही नहीं गाइस इसके अलावा भी बहुत होंगे ये तो जस्ट बाथरूम में रखे हैं कुछ को यूज करने के लिए मिले ही नहीं यार आधे से ज्यादा सामान मिल ही नहीं रहा और छोटा डोन हमारा सो रहा है अभी ये चार्जिंग पे लगा हुआ है अभी जैसे ही चार्ज हो जाएगा ना फिर जो अपनी बैटरी खर्च करेगा वो देखने लायक होगी और यहाँ पे मम्मी ने जो है जो बेड में सामान रखने वाला था वो बेड में रख दिया है जो भी कंबल वगैरह होते हैं ग्लाफ वगैरह होते हैं वो आई थिंक इतना ज़्यादा कपड़े हैं ना मम्मी आई थिंक हाँ जी एल ई डी तो मैं टंग दिना टंगनी है बस तेरे टंग लें तो बस ये विच पानी आ दे आ जेडे दो हुक आ ना यार ए तो है कि ओ से दो किल्ला ने सा ए तो लगे ऊपर ही पानी कि नीचे ही पानी है तो गाइस जब दिन लेकर आए थे ये वाला पार्सल हमारे पुराने वाले एड्रेस से तो अभी इसको खोल के देखते हैं क्योंकि कुछ मैंने दिवाली का सामान मंगवाया था तो शायद इसमें वो दिवाली वाली ही चीजें है तो देखते हैं कैसी होने वाली है बड़ी आसानी से खुल गया ये तो लेट मंगवाई थी मैंने पूजा के लिए काफ़ी हैवी है तो ये ना थोड़ी सी महंगी है ये देखो कैसी है अच्छी है ना पर हैवी बहुत है और इसका प्राइस है 350 रुपीज़ शायद 350 रुपीज़ की ये पड़ी है और आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी आएगी पर ये सही आ गई दिवाली वाली सामने करके दिखा ये लगाएगी सही है ना देखो गाइस बढ़िया लग रही है और क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है क्वालिटी बहुत फाइन है ये देखो अच्छी है क्वालिटी 350 के हिसाब से सही है ना ये 6-6, 7-7 की मिलती है मेरे हिसाब से सही है यार कई बार तो मीशो पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है मीशो पे ये सब चीजें बहुत अच्छी आती है है ना हाँ। लड़कों के कपड़ों को छोड़ के लड़कियों के भी कपड़े अच्छे आते हैं लड़कों के नहीं आते यार पता नहीं क्यों मैंने 2-3 बार मंगवाए मेरे को तो निराशा ही मिली है सही बात है मामे का नाम लेना है मामे का नाम लेना चल बैठो इन्हें इधर बैठ बंद करो चलो नहीं चलो किन्नो मामू बैठूंगा नहीं डरता है बिच बंद कर दे ना चल बिच बंद कर रहा हूँ जतिन कहता आधे का सूट पे है ना
ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਸੂਟ ਖੋਲ ਦੇ ਡੰਪ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਣੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ शुकर के तंग नहीं कर रहे खेड़ तो रहा ना मैंने कहना आजा नीनी गल है कि नीनी गल हट जा नानी नु आवाज़ मार नहीं नहीं नानी का नाम की है है पता नहीं पानी कितों आ गया पिछले दो घंटे से मैं इसको ना बाहर लेके घूम रहा हूँ और ये साइकिली का पीछा नहीं छोड़ रहा ये इसकी साइकिली है छोटे हमारे नेबर्स की ये पहले उठा रहा था जब ये कोई साइकिली उठाता है तो वो रोता है अगर वो चलाता है तो ये रोता है अब वो पटाखों में मस्त हुआ हुआ है एक बात है गाइस बच्चे ना अपनी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते चाहे ये है चाहे कोई और है और तुम इन्ने हो क्यों होने हो हैं तुम अपनी चीज और बख्श दे कार बख्श दे तो गाइस अभी रात के 11:12 हो गए हैं एंड मैं अभी तैयार हुआ हूँ मैंने आपको बताया था सुबह के मैं जा रहा हूँ दिल्ली कुछ काम से तो मैं अभी निकलने वाला हूँ और अभी ना यार मैं कैब कर रहा था कैब हो ही नहीं रही है एक कैब वाले ने उठाई और वो मेरे से पैसे ज़्यादा मांग रहा है पहले उससे बात हुई मैं क्या भैया आ जाना कैंसिल मत करना मेरी बस है लेट हो जाएगा फिर 5 मिनट बाद कॉल करके बोलता है कि मैं तो इतने पैसे लूँगा मतलब डबल ही मांग रहा था तो मेरे को ये बात भी अच्छी नहीं लगी फिर मैंने कैंसिल कर दी अभी मैं यहाँ से गाड़ी लेके अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ वो फिर गाड़ी में मेरा दोस्त मेरे को छोड़ देगा जहाँ से बस में बैठना है कल वाले व्लॉग में मैंने बोला था ना आज भी बोल रहा हूँ लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों में वो करते हैं ना और देखो कैब हो गई सारा कुछ हो गया और लोग ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं यार ईमानदारी से पता नहीं क्यों नहीं लोग काम करते मेरे को समझ नहीं आता यार फिर बोलेंगे यार हमारा सरता नहीं है ये वो ऐसे नहीं होता मैं दुखी हो गया हूँ लोगों से आजकल की दुनिया से बहुत ज़्यादा लोग ना मतलब चंटगिरियां करके लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं ईमानदारी से कोई पैसा नहीं कमाना चाह रहा आज के टाइम में बैग हमारा रेडी है एक ये हम पिट्ठू बैग लेके जा रहे हैं इसमें हमारा लैपटॉप वगैरह और बाकी छोटा मोटा सामान है और एक ये बैग लेके जा रहे हैं हम लोग इसमें है थोड़ा बहुत सामान अपना चलो ठीक है जी है ना ओके बाय बाय मनीषा और दिशांत तो सो गए बाय हां हां मैंने सवेरे भी कर दी पहुंच के पहला बस से बैठने लगे फिर पहुंच के कर दूंगा सो गाइस मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताता हूं कि मैं कहां पे जा रहा हूं दिल्ली मेरे रहते हैं चाचा जी और बुआ और मेरे बुआ के सबसे बड़े बेटे की शादी है शादी में जा रहे हैं पहले हम लोगों ने सबने एक साथ जाना था लेकिन फिर शिफ्टिंग का अचानक से प्रोग्राम बन गया तो यार घर पे सब बिजी चल रहे हैं आप लोगों को पता ही है यार शिफ्टिंग के वक्त कितना काम होता है तो फिर हमने सोचा कि यार मैं अकेला ही चला जाता हूँ और आज तक आप लोगों ने मेरे व्लॉग में कभी भी ना मेरे चाचू को देखा होगा आपने ना मेरी कभी बुआ को देखा होगा किसी को नहीं देखा होगा मतलब है ना तो चलो इस बार मैं आपको अपने व्लॉग में अपने चाचा जी बुआ को और बुआ के बेटे सबसे मिलाता हूँ और शादी इंजॉय करेंगे हम लोग वैसे आज कॉकटेल थी लेकिन घर में काम इतना ज़्यादा था गाइस कि आज जा नहीं हुआ क्योंकि यार घर पे बहुत काम था सच में बहुत ज़्यादा तो कल जागो है परसों शादी है तो कल जागो सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा तो जाके रेस्ट करेंगे सीधा आराम से फिर शाम को जागो इंजॉय करेंगे एंड शादी इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे सारी शादी ठीक है तो बने रहना व्लॉग्स में आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।